अगर आप हिंदुस्तान के एक बेरोजगार युवा हैं या आप भी ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं जो लगातार नौकरियों के फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन नौकरियों के एग्जाम नहीं हो पा रहे, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यहां मैं आपको कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं जो हिंदुस्तान के हर एक युवा को पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि द हिंदू की यहां पर एक न्यूज लगा रखी है मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा। और यकीन मानिए कि 65% से ज्यादा आबादी भारत में 35 साल से कम लोगों की है। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यह खिलवाड़ क्या है, और अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक बेहद संवेदनशील मैसेज मिलेगा और एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर मैं यहां पर बात करना चाहता हूं। इसके लिए हमारी सरकार को और जो लोग ऊपर हमारे बैठे हुए हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं उनको ढंग से इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं है। हम यार रोज काम करने वाले लोग हैं और रोज काम करने के साथ साथ एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि हमें भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है, और उस उम्मीद का किस तरीके से गला घोटा जाता है सिस्टम के द्वारा, उसके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आंकड़े कुछ इस तरीके से है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है, कब आता है मैं आपको डेट मेंशन करता हूं। यह फॉर्म आया था 1 मार्च को, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी भरने की, 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट भरने की, वो थी आरआरबी ग्रुप डी जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी। हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है बढ़िया है रेलवे में नौकरी करेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। खेल किस तरीके से शुरू होता है, खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा देता हूं आपको, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और 1,15,67,248 लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। और अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने की संख्या देखें तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी, अगर उसमें 35,000 एनटीपीसी भी जोड़ दे तो 1,35,000 वैकेंसी के लिए। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में बिल्कुल एकदम सिंपल सा आइडिया यह है कि भारत में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिनकी डेली की इनकम 200 रुपए भी नहीं है। जी हां, जो महीने में 6,000 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। आज की डेट में 80 रुपए पेट्रोल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च का फॉर्म आया, फिर कहते हैं कि टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम की हो जाएगी सेप्टेंबर, जून से सेप्टेंबर के बीच में आपका एग्जाम करा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से 500-500 रुपए लिए थे। कितने फॉर्म कितने लिए थे, 500 रुपए ग्रुप डी के लिए भी 500 और एनटीपीसी के लिए भी 500। अगर मैं मान लेता हूं सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो यह मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है 1200 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कैटेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म की फीस 250 रुपए थी तो यह आंकड़ा पहुंचता है जस्ट हाफ 600 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो, सारे एससी ने भरा हो या सारे कैटेगरी वाले लोगों ने भरा हो। तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूं कि कम से कम सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए जो उनके पास मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान आया था। मार्च अप्रैल 2019 बीते हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, फरवरी आने वाली है और एग्जाम की डेट का अभी भी कोई पता नहीं। मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुस्सा तब आई जब कई सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे वो ये कल कह रहे थे कि सर एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा कि कब होगा, क्या करें, आत्महत्या कर लें क्या। दोस्त कमजोर नहीं होना, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई आत्महत्या, हमारे जो 500 रुपए हैं, जो 250 रुपए हैं, वो इन लोगों ने ले रखे हैं और 1,000 करोड़ रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक वेंडर नहीं मिल रहा जो एग्जाम कंडक्ट करा सके। धारा 370 हटानी होती है, एक दिन में हट जाता है। एनआरसी सीएए लाना होता है, एक दिन में आ जाता है। 1-2 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है यार, 2 करोड़ लोग इस आस में जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि 2 करोड़ लोगों को वैकेंसी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको कम से कम एक जीवन का पड़ाव तो खत्म होगा।
जो दिन भर वो टेंशन में रहते हैं कि तैयारी करनी है तैयारी करनी है तैयारी करनी है, दुनिया भर के कोचिंग वाले दुनिया भर के चैनल वाले सब उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। एक बैच शुरू होता है फिर दूसरा बैच शुरू होता है फिर तीसरा बैच शुरू होता है, बैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नौकरी आने के नाम नहीं ले रही। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है नेताजी? मैं आपसे ही कह रहा हूं ये वीडियो इतना शेयर करना कि नेताजी तक पहुंच जाए। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 2,41,00,000 लोगों के ऊपर आप ध्यान दें? यह संख्या आपके लिए मायने नहीं रखती है? और आपके लिए नहीं मायने रखती तो यह 1,000 करोड़ रुपए का आप कर क्या रहे? यह किसी घोटाले से कम है क्या? किसी भी बैंक में डाल दोगे, घटिया से घटिया बैंक में भी अगर 1,000 करोड़ रुपए डाल दोगे तो वो बैंक जिंदा हो जाएगा। पूरे देश की आबादी सिर्फ 137 अरब है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए अगर आप उनको भी बांटना शुरू करेंगे तो कई लोगों के जीवन सुधर जाएंगे। और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये 500 रुपए दिए वो बहुत अमीर घर से आते हैं? उनके घर में BMW खड़ी है, उनका बड़ा सा मकान है? जी नहीं, वो कभी भी RRB ग्रुप डी और NTPC की नौकरी करने नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो तिल तिल करके तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से तैयारी कर रहे हैं, वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं है, आप सिस्टम में हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप हर 3 महीने बाद एक बहाना बना देते हैं कि हमें वेंडर नहीं मिल रहा। अरे वेंडर नहीं मिल रहा तो ये 500 रुपए आपने कैसे डिसाइड किए? आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि एक लड़के का खर्चा 500 रुपए आएगा? क्या वेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता आपसे? सिर्फ सोची समझी रणनीति है। मार्च में आपको यह पैसा मिला है, 1,000 करोड़ रुपए आपके बैंक में पड़ा है और आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। 1,000 करोड़ रुपए बहुत होता है। आप कहेंगे सर 1 करोड़ लोगों का वो भी तो करवाना है, एग्जाम भी तो करवाना है, तो ये 500 रुपए भी तो आप ही ने डिसाइड किए थे। जहां 100 रुपए फॉर्म के लगते थे वहां 500 रुपए लिए आपने। बोले कि वापस करेंगे, कब वापस करेंगे इसका पता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और इस 1,000 करोड़ रुपए को घुमा रहे हैं। ये जनता का पैसा है और जनता जवाब मांगेगी आपसे। दोस्त नेताजी आप भी ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर उनको मेरी बात सही लग रही हो या लग रही हो, मेरी बात सही लग रही हो या लग रही हो, लेकिन बात है सच्ची। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं टीचर हूं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और उनके अरमानों को जब मैं घुटता हुआ देखता हूं, जब उनके चेहरों को मैं उदास देखता हूं सिर्फ इस वजह से कि सर समय बीतता जा रहा है और हमारी एनर्जी, जी हां आपके पास जो 65% युवा है उसमें से 2,41,00,000 लोग अभी भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम की बात है, SSC के साथ भी आपने यही किया था। लोगों के एक एक साल आपने बर्बाद कर दिया और इस तरीके के कई साल आप बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी और लटकी पड़ी है 69,500, उसमें भी कोर्ट केस चल रहा है। अरे जब नौकरी देनी नहीं होती तो निकालते क्यों है यार? क्यों मजाक करते हो हमारे साथ? जब देनी नहीं होती तो निकालते क्यों? क्यों मजाक करते हो हमारे साथ? हमारा जीवन इस तरीके से एक सपना बुनना शुरू कर देता है कि नौकरी लगेगी नौकरी लगेगी, जिस उम्र में उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतना हतोत्साहित युवक आप लोगे तो आप उससे अच्छा काम करा पाओगे? जो 1 साल 2 साल तैयारी करके आया होगा, जिसके लिए नौकरी मिलना ना मिलना सब बराबर हो चुका होगा, अरे कोई प्लानिंग ही नहीं है यार। बड़े बड़े IAS बैठे हो आप लोग, इतना सारा IAS भरा पड़ा है, सब जिसको देखो वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे, वो लोग बढ़िया गाड़ी से चल रहे हैं, बढ़िया बंगले से घूम रहे हैं, सारा सब कुछ उनका जीवन सुलभ है। उनको इनकी फिक्र नहीं हो रही, किसी को इनकी फिक्र नहीं हो रही। 2 करोड़ लोग, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी जनसंख्या है 2 करोड़, कुछ कहने को नहीं। अगर अपने दम पर आ जाएगी ना तो आप परेशान हो जाओगे, आपका सिस्टम मिल जाएगा पूरा। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, भावुक हूं मैं, बहुत ज्यादा बुरा है। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैसेज आपको मिल गया होगा। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि सबके पास तक पहुंच जाए, खासकर उन लोगों के पास जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।